महिमा कहीं ना जाए गुर समरथ दे। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की घटना। लाहौर शहर में अकाल पड़ गया। लाहौर शहर में अकाल पड़ गया, इतना भयंकर अकाल। उस समय इतिहास में लिखा है कि लोग, हर घर में लोग मरने शुरू हो गए, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्यार से बोले धन गुरना, धन गुरना, पशु मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, भयंकर अकाल। उस समय अकबर बादशाह भी लाहौर में ही रह रहा था। उसने अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश की, थोड़ी मदद दी लोगों को, पर जब लोग मरने शुरू हो गए तो वो लाहौर शहर छोड़कर ही चला गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हरिमंदर साहब की सेवा करवा रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि लाहौर शहर में लोग भूख से मर रहे हैं। सारी संगत को वहां से लेकर चल पड़े लाहौर की तरफ। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि गुरु महाराज ने हुक्मनामा जारी किया कि सब सिख अपना दसवंध लेकर और भी जो हो सके, जितना ज्यादा हो सके सामान लेकर खाने पीने का लाहौर में पहुंचे। गली गली में लाशें पड़ी हैं वहां पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने हाथों से उन लाशों को उठा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जो लोग बचे हैं उन्हें भोजन खिला रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग देखकर हैरान हैं, खुद गुरु महाराज अपने हाथों से काम कर रहे हैं जैसे कोई आम आदमी हो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी घटना वापरी साथ संगत। कुछ लोग इकट्ठा होकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास आए और उन्होंने एक सवाल किया, पाच्छा ये जो लाहौर का हाल है ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि गुरु नानक पाशाह ने लाहौर को श्राप दिया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गुरु नानक देव जी और श्राप हो नहीं सकता। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह के मुख से कभी भी किसी के लिए श्राप नहीं निकला। आपको गलत फहमी है। तो संगत ने बाणी की पंक्तियां उच्चारण करके बताई जो गुरु नानक पाशाह ने उस समय उच्चारण की थी। ये पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। पहर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। कि गुरु नानक पाशाह अपने मुखारविंद से कह गए हैं कि लाहौर शहर जहर का जहर है, यहां पर कहर वापरता है सवा पहर। पहर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर पर्दे खोले। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गहराई से बात को समझाया कि गुरु नानक पाशाह ने ये पंक्तियां क्यों उच्चारण की थी और इनका अर्थ क्या है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो सतगुर तन तन जिन परम घर तोड़या, जिन्होंने हमारे भरम मिटा दिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा गुरु धन है। पांचवें गुरु नानक ने उस वक्त ये भरम मिटा दिए। कौन से भरम? समझाया, कहने लगे गुरु नानक पाशाह अमृत वेले रात के सवा पहर रहते लाहौर शहर से गुजर रहे थे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवा पहर, एक पहर 3 घंटे का, सवा पहर तकरीबन 4 घंटे। रात के सवा पहर रहते लाहौर शहर से गुजर रहे हैं और क्या देखते हैं?
कि मुसलमान रहते हैं ज्यादा से ज्यादा और क्या कर रहे हैं, अमृत वेले जानवरों को काट रहे हैं। घर से बोले धन गुरनाल, जितने भी बुच्चड़खाने होते हैं जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है वो सुबह सुबह काटा जाता है। घर से बोले धन गुरनाल, धन गुरनाल। गुरु नानक पाशाह गलियों से गुजरते जा रहे हैं, क्या देखते हैं, सब ज्यादा से ज्यादा जानवरों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती काटा जा रहा है। जानवर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, पर किसी को तरस नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह ने उस वक्त ये पंक्तियां उच्चारण की, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाहौर शहर में जो सवा पहर का समय है, अमृत वेले का समय, जो अमृत का समय है, लोग जहर का व्यापार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहर बरपा रहे हैं अपने कर्मों पर। अमृत वेले का समय हो, नाम सिमरन छोड़ के सोना तो अलग बात है, नाम सिमरन छोड़कर जो जानवरों की हत्या में लगे हैं वो अपने कर्मों पर कहर बरत पा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत ने कहा यह श्राप नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यहां पर समझाया कि तीसरे गुरु नानक ने ये पंक्तियां भी उच्चारण की है। कौन सी? लाहौर शहर अमृतसर सिफतीदा घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां भी गुरबाणी में दर्ज है कि जहां पर गुरु रामदास जी ने अवतार धारा जन्म लिया वो शहर का नाम था लाहौर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि जहां पर गुरु रामदास जी ने जन्म लिया अवतार धारा वो शहर तो अमृत पिएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पर गुरु रामदास जी ने अवतार धारा है। अमृतसर सिफतीदा घर, यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने खोलकर एक बात समझाई साथ संगत जी। जो लोग अमृत वेले छोड़कर सो रहे हैं उनके लिए सारा जीवन जहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल लाहौर की बात नहीं हो रही। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने संगत को समझाया यहां पर बात लाहौर की नहीं, यहां पर बात अमृत वेले की है। ये जो रात का सवा पहर है ये सोने के लिए नहीं, नाम सिमरन करने के लिए है। जो लोग नाम सिमरन छोड़कर सोते हैं, चाहे वो लाहौर में रह रहे हों चाहे दुनिया के किसी कोने में रह रहे हों, वो जहर का व्यापार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनकी जिंदगी में कहर ही कहर है क्योंकि जहर है। जो लोग चाहे कहीं पर भी रहते हों, चाहे लाहौर में रह रहे हों चाहे कहीं पर, अमृत वेला संभालते हैं। लाहौर शहर अमृतसर सिफतीदा घर, जो अमृत वेले उठ के नाम सिमरन से जुड़ते हैं उनके लिए ऐसा है मानो अमृत के सरोवर में स्नान करके उसकी सिफत में जुड़ रहे हो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी गहरी बात समझाई साथ संगत जी, कितनी गहरी बात। लोग गलत फहमी में थे कि गुरु नानक पाशाह शराब दे गए हैं, नहीं वो तो शिक्षा दे गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।